सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय नया व्लॉग। तो गाइस अभी अपनी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो पहले मैं आपको टाइम बता दूं अभी कितने बजे हैं। अभी बजे है 3:21 सुबह के, 3:21 हुए हैं। अभी मैं पहले जाऊंगा पीयू के घर पे, क्योंकि वहां पे जो सामान है उसको लगाना है ठिकाने, मतलब स्टेशन पे पहुंचाना है। स्टेशन पे वासु भाई ऑलरेडी खड़े है, तो उनको वो सामान देना है, तो वो सब सामान का खत्म करके मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। ये रही पीयू। वासु भाई हाई कर दो। हाय हाय। तभी ये पोटला इधर फेंक दिया है। A few moments later, मस्त चाय बाय कॉफी नाश्ता पास्ता करके मैं आ गया हूँ स्टेशन पे फटाफट। पीयू के कितने कॉल आए थे, भाई आओ आओ ट्रेन आ जाएगी। अभी इधर आया तो देखो कुछ नहीं है, कोई भी ट्रेन नहीं है, और यहाँ पे देखो सब गप्पे लड़ा रहे हैं। अभी हमारी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, तो यहाँ पीयू खड़ी है। कुछ बोल। कुछ नहीं, हम जा रहे हैं। फाइनली हम बैठ गए ट्रेन में। बहुत भीड़ भाड़ थी और इधर मेरे सामने भी बैठे हुए हैं। तो ये ट्रेन का नाम है देहरादून एक्सप्रेस, जो हमें कल रात मथुरा पहुंचाएगी। भाइयों बहनों थोड़ा साइकिल ली चाहिए ना। अभी हम आ गए हैं कोसंबा, और सूरत पे तो इतना रश था, मतलब मैं व्लॉग ही नहीं बना पाया। इतना भीड़, किसी का बर्डा पकड़ा, किसी की बोची पकड़ी, किसी का क्या पकड़ा, और फिर मैं चढ़ गया ट्रेन में। सामान भी इतना सारा था, पोटला भी लेना था। पीयू वहाँ पे ऊपर सो गई है अभी, और मेरे मदर इन लॉ भी यहाँ पे नीचे सो रहे हैं। और अभी देखते हैं यहाँ पे कौन सा स्टेशन आया है। अभी हम आ गए हैं अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे देखो सीन कुछ ऐसा है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की, यहाँ पे देखो गैप कितना बड़ा है, चढ़ने उतरने का कितना बड़ा गैप है, मतलब जो नॉर्मल होता है उससे काफ़ी ज़्यादा है बाकी सारे स्टेशन के मुताबिक। तो अभी चलो चलते हैं अंदर, मैं भी बहुत थक गया हूँ अभी। A few hours later. So guys, good morning. मैं तो सो ही गया था ट्रेन में शायद अंकलेश्वर के बाद, और अभी हम पहुंचे हैं बामनिया रेलवे स्टेशन पे, और अभी टाइम हुआ है 11 बजे। पीयू भी अंदर सो रही है, बहुत मतलब हैटिक शेड्यूल था ना। तो गाइज मैं तो सो ही गया था, फिर पूरी नाइट वो एडिटिंग किया, कंप्लीट किया। फिर आपने देखा ही होगा, मम्मी ने ये नाश्ता दिया था, बटा का चिप्स थेपला। तो अभी हम ये थेपला और चिप्स ही खा रहे हैं, बाहर का कुछ नहीं खा रहे। ट्रेन में भी इसका मेकअप बॉक्स खुल गया है। भाई ट्रेन में तो बंद कर, ये तेरा कारोबार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मेरे को ये सब पसंद है। अभी हम आ गए रतलाम रेलवे स्टेशन पे, यहाँ की कैरी बहुत मशहूर है रतलाम की। और रतलाम रेलवे स्टेशन पे सीन कुछ ऐसा है, मैं तो यहाँ मस्त लेता हूँ। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। और अभी हम राजस्थान क्रॉस कर लिया, बहुत अभी ज़्यादा गर्मी लग रही है। सुबह इतनी ठंड थी लेकिन अभी इतनी गर्मी लग रही है कि मुझे ही। तो गाइज अभी हम पहुँचे हैं मोरक। अभी आ गए राजस्थान का कोटा जंक्शन, और यहाँ पे देखो बहुत भीड़ है अभी तो। अभी हम आ गए राजस्थान के कोटा स्टेशन पे, 2 बजे हैं। देख लो मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ, बहुत थकान लग रही है अभी तो। ये ट्रेन सारे स्टेशन कर रही है, पता नहीं एक्सप्रेस दिखा है फिर भी की। महाराष्ट्र ने हमें छोड़ दिया है और राजस्थान ने हमें पकड़ लिया है। ये देखो ये पीयू अभी अभी उठी है, अपने बाल संवार रही है। मम्मी उर्फे सासू माँ कैसे हो। सुबह की शाम हो गई और अभी भी हम ट्रेन में ही है, हालत ख़राब हो रही है अभी तो। और कौन सा स्टेशन है वो तो मेरे को नहीं दिख रहा है, स्टेशन है लेकिन बहुत नीचा है स्टेशन। डायरेक्ट ऊपर चढ़ के ऊपर ट्रेन में जाने का है। अभी हम निकले हैं ट्रेन का मुआयना करने के लिए। पूछता है जैनिस ये ट्रेन में इतनी भीड़ क्यों है, रिजर्वेशन है फिर भी। ये पता नहीं जंगल में खड़ी की है ट्रेन, अभी पता नहीं कहाँ हम खड़े हैं, जंगल में खड़े हैं। ये जंगल में स्टेशन है, कौन सा स्टेशन है क्या है कुछ पता नहीं है। यहाँ पे कचरे की गाड़ी है, इसमें ये बोतल पड़ा है, और यहाँ पे वो लोग मूत्र विसर्जन कर रहे हैं। वहाँ पे वो इंजन है, ये हमारी ट्रेन है, बस इतना ही पता है। इधर कुछ है नहीं, ना कोई नाश्ता वाला पानी वाला, ना जंगल में पाटा बिछाया गया है ये सब, और जंगल में स्टेशन है। अभी ये स्टेशन पे हम आए हैं, कौन सा स्टेशन है कुछ पता नहीं है। अभी बजे हैं और बहुत थक गए गाइस, कि सुबह से बैठे रहे ट्रेन में, अभी तक ट्रेन में ही है। ये अच्छा स्टेशन है, ये शहर वाला गांव है। तो गाइस अभी पीयू को कुछ ठंडा पीना है, तो
वहाँ पे है शॉप, तो चलो चलते हैं और देखते हैं फटाफट, नहीं तो हमारा ट्रेन निकल जाएगा। ये सवाई माधोपुर जंक्शन का जो मैंने अभी आपको दिखाया, और कुछ लिया नहीं ठंडा पीना क्योंकि फटाफट आ गए, ट्रेन स्टार्ट हो गई थी इसीलिए। भाइयों बहनों और साइकिल की चैन, अभी हम आ गए हैं गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पे, और अभी टाइम हुआ है 21:60, और ये है हमारा ट्रेन नंबर 19019 बांद्रा हरिद्वार देहरादून एक्सप्रेस। अभी चलते हैं अपने डिब्बे में, अपना डिब्बा S3 है ना, तो हमारा डिब्बा S3 है, S8 है। सुबह से हम ट्रेन ट्रेन में भागो 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 भागो, सासू माँ तुम्हें टेंशन नहीं लो, हमें रही जाइस में टॉपन हमें पाछा आई जाइस, फोटा सिक्का पाछा जाओ। अभी हमारा स्टेशन आने वाला है और ये सारा सामान हमने इधर ले लिया है, और यहाँ पे देखो ये सब बैठे हुए हैं, अभी मिलते हैं सीधा स्टेशन। देखो यहाँ पे कितना रस है चढ़ने में, और उतरने में भी इतना ही रस था, इतनी भीड़ थी। हम फाइनली अभी आ गए हैं मथुरा रेलवे स्टेशन पे, पहले तो जाएंगे होटल पे, और अभी बजे है रात के 12। गाइज ये है रेखा आंटी जिन्होंने ये पूरा टूर मैनेजमेंट किया है। देखो रेलवे स्टेशन पे क्या हाल है, सब सो रहे हैं, और मेरी सासू माँ उर्फे मधर यहाँ पे अपना पोटला लेके चल रहे हैं। मैं अभी चुन चुन के गिन गिन के सब कुछ एक्सप्लोर करने वाला हूँ। अभी हमें ये पहाड़ चढ़ना है, इतना बड़ा पहाड़ है, और ये मेरे पास इतने पोटले हैं, नीचे मेरा बैग है, और ये देखो पुली नंबर 1। तो गाइस ऐसा लग रहा है गणपति का गल्ला खींच रहे हो ना, ऐसा लग रहा है अभी तो। ये सब अपने अपने गल्ले खींच रहे हैं, देखो फाइनली चढ़ाई कंप्लीट हो गई है, सबने अपने अपने गल्ले खींच लिए, और आगे अभी ट्रैफिक है। पिपिप 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 पिपिप, अभी एक पहाड़ तो चढ़ लिया है, अभी पहाड़ उतरना है, वो भी सीधी है आगे, तो अभी ये कष्ट उठाना पड़ेगा। अभी ये पहाड़ उतर रहे हैं, फाइनली कंप्लीट हो गया है। तो भाइयों बहनों उधर साइकिल की चैन, अभी हम आ गए हैं बाहर रेलवे स्टेशन के, और ये बस में हम जाएंगे आगे। बस में रेखा आंटी आप कुछ बोलना चाहोगे? इतने थक गए हैं कि अभी चलो, अभी बोलने का भी भान नहीं है। 56 सीटर की बस में बैठ के अभी हम जाएंगे होटल पे। ये यूपी में आते ही हमें वानर सेना मिल गई है, गैंग है, यमला पगला दीवाना भी है इसमें। बस से अभी आ गए हम अपनी धर्मशाला पे, अभी आज का ठहराव, आज का क्या बोलते हैं, जो भी है बोलते हैं ना रुकने का, वो ये वाली धर्मशाला में रहेगा, और वहाँ पे सब पोटले हमारे पड़े हुए हैं। और बाहर मैंने ब्लॉग क्यों नहीं किया कि वहाँ पे इतने सारे बंदर थे, वानर सेना पूरी थी, फोन वोन ले जाते हैं फिर तो मगजमारी। अभी कोई बंदर इधर दिख नहीं रहा है, देखो इधर कोई भी बंदर नहीं अभी तो, अभी अपने रूम पे मिलते हैं। चलो वहाँ पे आगे कुछ नदी जैसा दिख रहा है, तो उसका भी हम मुआयना कर लेता है। पूछता है जैनिस कि ये बंदी कौन है, पूछता है जैनिस। ये यमुना नदी है, वहाँ पे पुल है, देखो सीन मस्त है गाइस। अभी तो ऑसम फीलिंग आ रही है, जितना भी ट्रैवल किया था ना, पूरा वो खर्चा था, मतलब खर्चा नहीं क्या पूरा ठाक था, वो उतर गया अभी। सिर्फ अभी मेरे को नींद चाहिए, अगर नींद अच्छी मिल जाएगी ना तो व्लॉगा व्लॉग आ जाएंगे, मतलब अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। अभी मैं पहुंच गया हूँ अंडर रूम में, और आपने दिखा होगा इस व्लॉग में हमने जो जर्नी स्टार्ट की थी सूरत से, गुलमर्ग के 3-4 बजे हमने जर्नी स्टार्ट की थी, वो अभी दूसरे दिन रात को 11-12 बजे खत्म हुई है। मथुरा रेलवे स्टेशन पे आए, मथुरा रेलवे स्टेशन से फिर बस में धर्मशाला पे, तो हाँ भाई अभी तक का सफर इतना रहा है। एक बार मुझे समझ में नहीं आ रही कि हमारी ट्रेन एक्सप्रेस थी लेकिन सारे स्टेशन की है, मैं सारे स्टेशन को व्लॉग में नहीं ले सकता क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाएगा फिर, तो मैंने जितने हो सके उतने स्टेशन कवर अप किए हैं। होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे समाप्त, खत्म, टाटा बाय बाय।